ट्विटर का एक और बड़ा एक्शन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया। पहले वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से हटाया था ब्लू टिक। प्रियंका गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, फेसबुक पर लिखा, जिनके ऊपर देश बचाने की जिम्मेदारी थी वो चेहरा चमकाते रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में रार, दिलीप घोष की बैठक में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही किया घेराव। किसानों ने की यूपी चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी, राकेश टिकैत ने भाजपा से पूछे 10 सवाल, कहा चुनाव हार जाएगी बीजेपी सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर आलाकमान ने जताया भरोसा, कैबिनेट में बड़े बदलाव के आसार, सिद्धू को मिल सकता है बड़ा पद। दिल्ली में लॉकडाउन में रियायत बढ़ी, सीएम केजरीवाल का ऐलान, 50% कैपेसिटी के साथ शुरू होगी मेट्रो, दिल्ली में ऑड इवन के तहत खोले जाएंगे बाजार और मॉल। महामारी की वजह से तमिलनाडु में बढ़ी सख्ती, 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कुछ जिलों में राहत भी मिलेगी। मेघालय में 7 जून से 14 जून तक लॉकडाउन, सभी तरह के जमावड़ों पर रोक, बढ़ती महामारी की वजह से लिया फैसला। महाराष्ट्र में सोमवार से लॉकडाउन में ढील, लोकल ट्रेन में आम आदमी को सफर करने की इजाजत नहीं, लोगों को नियमों का करना होगा सख्ती से पालन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजने वाले बयान पर तेज प्रताप ने ली चुटकी, जेडीयू ने किया पलटवार, कहा 40 साल तक राजनीतिक जीवन में रहने के बावजूद नीतीश कुमार अब तक बेदाग। आज तमिलनाडु पहुंचेगा मानसून, मुंबई में 2-3 दिन में दस्तक देगा, केरल के शेष हिस्सों, लक्षद्वीप के कई हिस्सों में भी तेज बारिश होने के आसार। कोविड स्क्रीनिंग को अमेजोन ने बताया गैर जरूरी, कर्मचारियों से कहा समय न बर्बाद करें, काम पर ध्यान दें। गूगल फेसबुक अमेजोन के लाइक्स पर टैक्स बढ़ाने के लिए G7 देशों के वित्त मंत्रियों का मंथन, नेता आमने सामने बैठकर करेंगे चर्चा। भारत की बढ़ेगी ताकत, अमेरिका से 30 हाईटेक MQ-9 ड्रोन खरीदेगा भारत, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में है माहिर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक का एक्शन, ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए किया सस्पेंड। UAE में होगा T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, PCB चेयरमैन ने किया दावा, ICC ने BCCI को T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पर फैसला करने के लिए 28 जून तक का दिया समय। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, कहा वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की तरह विश्व क्रिकेट पर राज नहीं कर पाएगा भारत। पहलवान सुमित मलिक ने गंवाया ओलंपिक का टिकट, डोप टेस्ट में हुए फेल, 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के लिए ओलंपिक का टिकट किया था हासिल। 5G मामले में जूही चावला को मिला पूजा बेदी का साथ, पूछा क्या पब्लिसिटी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं सेलिब्रिटी। और नागिन बनी सुरभि चंदना की नहीं होगी बिग बॉस 15 में एंट्री, सुरभि चंदना बोली न फोन आया न मैं जा रही हूँ।